उत्तर गुजरात में बनासकांठा जिले के गांव गेला के हनुमान मंदिर में 4 मंजिला जितना ऊंचा नारियल का ढेर जमा हुआ है। यहां इतने नारियल इकट्ठे हो गए हैं कि नारियल का पहाड़ नजर आता है। इसका कारण हनुमान जी को जटाधारी नारियल चढ़ाया जाना है। यहां नारियल ना तो फोड़े जाते हैं ना ही भक्त अपने घर ले जाते हैं। 500 साल पुराना हनुमान जी मंदिर और उनका चमत्कार लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची गेड़ा गांव के हनुमान मंदिर और टीम ने तहकीकात की कि कैसे आखिर चमत्कारी पर्वत पर नारियल आज तक टिके हुए हैं। मैं फिलहाल अभी बनासकांठा का जो बनासकांठा जिला है उसका लाखनी तहसील और उसका गेड़ा गांव है वहाँ पे फेमस जो हनुमान दादा का जो मंदिर है वहाँ पे आया हुआ हूँ। मेरे एग्जैक्टली पीछे आप देख रहे हो जो श्री हनुमान जी श्रीफल मंदिर को माना जाता है जो गेड़ा गांव में आया हुआ है उनकी जो पहचान है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि जो पहचान क्यों गेड़ा गांव में जो हनुमान दादा का जो मंदिर है वो क्यों पहचान में आया हुआ क्योंकि पूरे गुजरात में फेमस मंदिर है और आपने काफ़ी सारी जगहों पर अलग अलग तरह से जो पहाड़ है पहाड़ देखे होंगे आपने और काफ़ी महसूस भी किए गए होंगे पहाड़। लेकिन आपने पहली बार मैं आपको दिखाना चाहूँगा जिस प्रकार से जो हनुमान दादा का मंदिर है वहाँ पे जो पहाड़ है वो कोई पत्थर का नहीं है नहीं कोई चीज़ से बनाया हुआ लेकिन जो पहाड़ है वो श्रीफड़ का पहाड़ है और यहाँ पे बहुत चमत्कारिक श्रीफड़ है। जो श्रीफड़ यहाँ पे जो श्रीफड़ डाला जाता है वो सीधा श्रीफड़ चिपक जाता है और चिपकने के बाद जो वर्षों से यहाँ पे जो जितने भी श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और जो श्रीफल डालते हैं वो सीधा चिपक के यहाँ पे श्रीफल का पहाड़ बना हुआ है वो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ की जो पहचान है पूरी दुनिया में पहचान बनने जा रहा है और पूरे गुजरात में तो नाम है ही ये हनुमान जी मंदिर का। लेकिन आपको थोड़ी देर में मैं वो पहाड़ जो है श्रीफल का पहाड़ वो चमत्कारिक पहाड़ है उनके रूबरू करवाऊंगा। बता दें यहाँ हर शनिवार को 1800 से 2000 नारियल पहाड़ में जुड़ते हैं। दावा है कि 100 साल से ये परंपरा चली आ रही है। ग्रामीण नारियल के पहाड़ को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिलाने की कोशिश करते हैं। मंदिर के महंत से मंदिर के जो चमत्कार हैं उनकी हकीकत क्या है उसके बारे में भी बातचीत की गई। मंदिर के महंत ने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कोई नहीं लेता है एक ले जाता हो तो उसका पहुँच बाद में हनुमान जी को चढ़ाना पड़ेगा उनके लिए ये भजन के लिए महान एक बजरंग बली दादा का पहाड़ बन गया है। हर कोई जे मनोकामना आपकी श्रीवड़ की बाधा करता है ये जी आपकी मनोकामना हर हनुमान जी महाराज पूरी कर दिया है। लेकिन यहाँ पर भगवान का चमत्कार है जो सालों से पड़े हुए लाखों की संख्या में नारियल किसी भी प्रकार की ऋतु हो या सर्दी का मौसम हो गर्मी का मौसम हो लेकिन यहाँ के जो लाखों नारियल हैं वो ना तो सड़े हैं ना ही वो खराब हुए हैं। और दूसरी खास बात ये है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उनकी मुरादें पूरी होने के बाद भगवान हनुमान जी को नारियल वो अर्पित करते हैं। कहना तो वो चाहेंगे कि दादा का ये सर्पल मंदिर बहुत ही पुराना और बहुत ही मतलब प्रख्यात है। आप मतलब हर शनिवार के दिन यहाँ पे मेला लगता है आप आओ तो बहुत ही भीड़ रहती है दादा की और दूर दूर से लोग आते हैं। यहाँ पे जो श्रीफल है वो मतलब बहुत ही मतलब इतना मानते हैं कि चौमासा मतलब गर्मी का मौसम रहता है सर्दी का किसी भी मौसम में वो सुगंध नहीं आती। सबसे बड़ा तो दादा का यही पर्चा है गाँव में कि बैठो तो इतनी मस्त सुगंध आती है और अच्छी रहती है। जी हाँ जो श्रीफल वाला पहाड़ है जो हनुमान जी मंदिर के एग्जैक्टली पीछे है और जो चमत्कारिक श्रीफल है वो पहाड़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेरे एग्जैक्टली मेरे कैमरामैन को मेरे पीछे भी दिख रहा होगा जो पहाड़ है वो बहुत ढेर सारे जो श्रीफल है यहाँ पे दिख रहे हैं और ये जो श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और महिमा जो है जिसकी मुरादें पूरी हुई है मुरादें पूरी करने के लिए बाद यहाँ पे आते हैं मंदिर पे और ये जो श्रीफल ऊपर डाले जाते हैं वो श्रीफल यहाँ पे अटक जाते हैं। वर्षों से ये श्रीफल इकट्ठा होकर यहाँ पे पहाड़ बना हुआ है लेकिन एक महिमा अच्छा भी है यहाँ पे बहुत सुनने में आया है कि जो श्रीफल आप घर पे रखते हो और 2-3 दिन रखेंगे तो पूरा श्रीफल सल जाएगा और बदबू आने लगती है लेकिन यहाँ पे हजारों और लाखों की संख्या में श्रीफल है पहाड़ बना हुआ है। लेकिन अभी तक मैं यहाँ पे बैठा हूँ लेकिन मुझे थोड़ी सी भी बदबू यहाँ पे नहीं आ रही है और यहाँ का एक महिमा है जो श्रीफल श्रद्धालु के जो डालते हैं ऐसे ऊपर से तो ऊपर ही चिपक जाता है वो नीचे नहीं आता है और तब से हजारों साल से यहाँ पे ये मन्नत है और ये जो मन्नत पूरी हो गई है और श्रद्धालु लोग ने जो श्रीफल डाला है मैंने एक्चुअली पीछे देख रहा है पहाड़ है जो बड़ा सा श्रीफल बहुत सारी संख्या में है लेकिन गिरते हुए आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आएगा। और ये श्रद्धा मैं सभी को बोलना चाहूँगा जिस प्रकार की श्रद्धा है
बोलते हैं भगवान कहाँ पे है, लेकिन भगवान सभी जगह पे है। और ये देखने को मिलता है कि भगवान साक्षात इस पृथ्वी पर है और है। मैं प्रणव सिंह राजपूत, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, गुजरात।